तो गाइस अब देवरानी जी से भी मिल लो, एक दो ब्लॉग में ये भी नहीं दिखेंगे, ये भी मायके जा रहे हैं। मायका जाना ही हुआ जल्दी जल्दी आना, हाँ तुम्हारे बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। पापा के आंसू आ रहे हैं देखो जब से। और घी त्योहार पर तो हमें एक साल भी हो जाएगा यूट्यूब पर ब्लॉग बनाते बनाते, क्योंकि घी त्योहार पर स्टार्ट किया था मैंने ब्लॉगिंग। 50,000 के वो जाएंगे तो पार्टी भी हो सकती है बीच में। यहाँ पे से घी चलो ना, यहाँ मत रुको। क्या आप रोड की हालत देखे, एल्टो भी आ नहीं सकती, वो देखो ऐसे फर्स्ट रही है सामने, ये इतनी गंदी हो रखी है। और हमारी गाड़ी भी ऐसी है, एल्टो की बराबरी है लगभग, तो ये भी नहीं आ सकती है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यारा पहला महीना कार्तिक फसल स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हिन्नो ब्लॉग उत्तराखंडी पे। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग में मॉर्निंग से कर रही हूँ और आज मैं रेडी हो चुकी हूँ। आज मैं जा रही हूँ मायके, तो काफ़ी टाइम बाद आज मैं मायके जा रही हूँ और मिस्टर जी भी आ रहे हैं, क्योंकि अब इसके बाद ज़्यादा बरसात का मौसम होता है चौमास, जैसे पिछले ब्लॉग में बताया था, तो उसकी वजह से रोड वोड ख़राब हो जाती है। तो हम लोग पहले जाके आ रहे हैं, क्योंकि मेरे मायके साइड की भी रोड ख़राब ही है। तो चलते हैं, पहले मम्मी लोगों से मिलाते हैं, क्योंकि इसके बाद जाएंगे एक दो ब्लॉग मायके के ही आएंगे, तो मम्मी लोगों को मिल लो, क्योंकि एक दो ब्लॉग में मम्मी नहीं दिखेंगी अब, है ना? हाँ। तो कब आना है? संडे को। संडे को? हाँ संडे को आना, एक दिन बुआ के वहाँ जाके आना। हाँ। और एक दो दिन मायके अपने फ्रेंडों के साथ मिलजुल के। हाँ। फिर बरसात में उसके बाद वो एक घी त्योहार के लिए जाएगी। ओके। बता दिया मैंने सब यूट्यूब वालों को, घी त्योहार से पहले नहीं जाना। और घी त्योहार पर तो हमें एक साल भी हो जाएगा यूट्यूब पर ब्लॉग बनाते बनाते, क्योंकि घी त्योहार पर स्टार्ट किया था मैंने ब्लॉगिंग। 50,000 के वो जाएंगे तो पार्टी भी हो सकती है बीच में। समझ लो पार्टी करनी है, साल भर में पार्टी का ब्लॉग चाहिए जब, तो फटाफट 50 के कर दो ना। तो गाइस अब देवरानी जी से भी मिल लो, एक दो ब्लॉग में ये भी नहीं दिखेंगे, ये भी मायके जा रहे हैं, क्योंकि नामकरण का निमंत्रण आ रखा है, देवरानी जी बुआ बन गई हैं, तो ये भी मायके जा रहे हैं ना। हाँ। वहाँ जाके तो जल्दी जल्दी आना, मम्मी आगे नहीं अगर वही पापा को दो, पापा क्या ठीक है, जाओ जाओ, अच्छी बात है, घूम के आओ। मायका जाना ही हुआ जल्दी जल्दी आना, हाँ तुम्हारे बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। पापा के आंसू आ रहे हैं देखो जब से आंखें भर गई। मैं ये तो आता बहुत दूर रह गया है। आप आ जाना ना फिर वहीं, मम्मी और आप आना बुलाने के लिए। मेरे ज्यादा टाइम सभी रोते हैं। चलो फिर चलते हैं, रोड कैसी है वो भी दिखाऊंगी। हमारे गांव की भी रोड खराब है और जगह की भी, हमारे मायके साइड की भी, जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करते रहूंगी। गोल्डी को खोल दिया है, गोल्डी भी आज बहुत भौंकने वाला है, गोल्डी ना, क्योंकि जोंक लग रहे हैं इसलिए हम इसको नहीं आने दे रहे, इसको जोंक बहुत खा दे रहे हैं ना आजकल। तो फिलहाल रेडी, पूरा रेडी हो जाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों को। गोलू चिबाच की याद आएगी मेरे को बहुत ज़्यादा, इसलिए जाती, पर ये वहाँ भी ऐसी करता है, अंदर रहता ही नहीं है, जोंक जोंक लगते हैं वहाँ भी। क्या है गोली, है क्या है, ये क्या है, चल रुक जा रुक जा। तो गाइस मिलते हैं आपको रेडी होने के बाद। सो गाइस मैं निकलने लगी हूँ अभी घर से, मम्मी लोग तो चले गए, आपको पता चल गया, गोल्डी भी वहाँ पे है, देखो बाय बाय, जल्दी आएंगे जल्दी आएंगे, बाय बाय। सो गाइस निकल चुकी हूँ मैं घर से और गोल्डी को छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा, बट मम्मी लोग भी अकेले हैं ना, वरना गोल्डी को ले जाती, मम्मी लोग अकेले हैं तो गोल्डी थोड़ा हल्ला भी करेगा, तो क्योंकि देवरानी जी लोग भी शाम को जा रहे हैं अपने मायके, वो भी एक दो दिन वहीं रुकेंगे और मैं भी रुकूंगी, तो मैं तो काफ़ी टाइम बाद जा रही हूँ तो मैं लंबा ही रुकूंगी, इसलिए अब गोल्डी भौंकने भी लग गया, गंदा लग रहा, ये देखो कवर, मौसम काला काला होने लग गया और फिर से बारिश वाला। नीलू भी रेडी हो रही है जाने के लिए, गोल्डी बाय, गोल्डी तो है नहीं अभी, आवाज़ आएगा। तो गाइस निकल चुके हैं हम लोग घर से, मिलते हैं आपको आगे को,
रास्ते में। आज आप लोगों को एक और बात शेयर करनी थी। कल हम परसों हमारी वाली रोड पे जो जहाँ पे मंदिर है वहाँ पे से एक पिकअप का एक्सीडेंट हो गया था, तो वो नीचे गई नदी पे, तो जो उसमें वाहन चालक था उसकी भी मौत हो चुकी है। तो वहाँ पे तो नहीं हुई, हॉस्पिटल गए हो, हॉस्पिटल पे इलाज चलते चलते उसकी मौत हो गई है। तो भगवान जी से प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। वो भी उन मॉर्निंग के टाइम पे ही हुआ था, 7-8 बजे मिस्टर जी लोग बस उठे हुए थे और ये चले गए थे सीधे। मिस्टर जी और भैया भी गए वहाँ पे, गांव के सभी लोग गए, गांव के सभी लोग उनको हॉस्पिटल ले गए। फिर पुलिस वाले, क्योंकि यहाँ पर कॉल नेटवर्क प्रॉब्लम है ना, उसके वजह से तो कॉल भी नहीं लग पा रहा था पुलिस वालों को या एम्बुलेंस को, तो खुद की गाड़ी लेके गए थे। तो बट क्या करें, वहाँ जाके उनकी मौत हो गई थी, है ना मिस्टर जी? आप ये टूटा है जो शिकायत, यहाँ पे से गाड़ी गई थी, यहाँ पे से गई है। चलो ना यहाँ मत रुको। सो गाइस यहाँ पे से गाड़ी नीचे गई, मंदिर सामने है माता रानी का, और माता रानी ने वैसे यहाँ पे बचा तो लिया था बट क्या ही करें। तो यहाँ पे से गई, पिलर के पूरे टुकड़े टुकड़े रखे हैं, ऐसे लग रहा है किसी ने सीमेंट रखा होगा। तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हुआ था, ये तो पता नहीं बट लोग भी उतर के देख रहे हैं कहाँ हुआ था। तो इस जगह पर हुआ था, ये देख सकते हैं आप लोग, जा यहाँ पे से गई, पहले भी यहाँ पे से गई थी, पहले वो यहाँ पे हमारी कार है उसके वहाँ, जा उतने ऊपर से, ये पूरा पैरा से तोड़ा था। निकलते हैं, यहाँ पत्थर गिरने का काफी डर भी है, और बट बस तो नहीं पाए वो मिस्टर जी लोग आ गए थे टाइम से, गांव वाले से भी आ गए थे और हॉस्पिटल भी ले गए थे, बट हुआ कुछ भी नहीं। और काफ़ी गंदा एक्सीडेंट हुआ कल, काफ़ी ज़्यादा गांव में एकदम अजीब सा हो गया था दिन भर में लोगों का। तो फिलहाल अब निकलते हैं यहाँ से। यहाँ पे देखिए कितने पत्थर गिरे, इतने बड़े बड़े, अगर गाड़ी पे गिर जाएंगे तो सो सकते हैं आप लोग, क्या हो सकता है हाल। ये मार्च की शुरुआत हो चुकी है, रोड ख़राब होना, पत्थर गिरना, भूस्खलन होना, तो अब 2-2.5 महीने ऐसे ही रहेगा बरसात में। हर जगह यहाँ पे भी पत्थर ही गिरे हुए हैं, और हमारे वाली रोड में तो कुछ ज़्यादा ही है कपकोट, मतलब हर गांव में ज़्यादातर ही होगा, ऐसे ही होगा। और चौमास में घर से जाना भी खतरा ही होता है, और हमारा तो अब दुकान है, जाना होगा मिस्टर जी लोगों को बरसात में, जिस दिन ज़्यादा बारिश होगी उस दिन तो जाएंगे नहीं। मुझे तो वहाँ पर से देख कर अजीब सा हुआ है, रोड की हालत देखो आप लोग, पत्थर गिरने वाले हैं हर जगह। यहाँ पर डैम है रिठाबगढ़ के नीचे, तो ये और टाइम पे बहुत ही कम पानी रहता था, तो आज देखिए डैम भी पूरा फुल हो रखा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बारिश हुई है पहाड़ में और कितना नुकसान हो रहा होगा अभी पहाड़ में। सामने फिर कलर देखिए पानी का, मिट्टी मिट्टी वाला, फिर ऊपर से नदी और अलग सा है, डैम इतना भर रखा है पानी यहाँ लिया है, फिर भी देखिए इतना ज़्यादा है। गाइस हम लोग आए हुए हैं अभी यहाँ पर पेट्रोल पम्प है, तो यहाँ से पेट्रोल भरवा लेते हैं, एक से एक चल रहा है नायरा पे। बाकी यहाँ पे इसके अलावा कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है कपकोट में, सिर्फ एक ही पेट्रोल पंप है, तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है यहाँ के लोगों को, जाए उसके बाद ब्लैक में या बागेश्वरी जाना पड़ता है। तो अभी हम भरवा लेते हैं, तो उसके बाद निकलते हैं। हम लोग निकल चुके हैं भरारी के मार्केट से, सामान भी रख लिया है, और अभी अब चलते हैं मैके को, देखते हैं वहाँ की रोड कैसी है, कहीं पर ख़राब ना हो बस, क्योंकि बड़ी गाड़ी तो चले जाती है, छोटी गाड़ी में दिक्कत रहती है। तो हमारी नीलू अभी छोटी है ना, भैया से भी मिल गया, और अभी चल रहे हम यहाँ से आगे। और यहाँ पे ना मायके में, मेरे मायके में 3-4 दिन से लाइट है नहीं, बिक्की भैया बता रहे यहाँ पर पोल क्या हो रखा है, पोल टूटा हुआ है, तो उसकी वजह से लाइट है नहीं, बिक्की भैया के वहाँ भी नहीं है, किसी के वहाँ यहाँ से ऊपर को अब लाइट है ही नहीं, तो पता नहीं कैसे ब्लॉग बनेंगे मायके में, कैसे कह रहे होगा, कैसी रोड ये क्या हुई है, अभी आपको पता चल जाएगा। थोड़ी देर आप बने रहे वीडियो के साथ, आगे को पता चली जाएगा। स्टार्टिंग हो चुकी है यहाँ पे, ये गए सामने देखिए, पूरा दलदल में फंसने वाला हो रखा है यहाँ पे, ये यहाँ पे रुक गए हैं, यहाँ पे से हमारी गाड़ी नहीं जा पाएगी शायद, ऐसी लग रहा है। बाकी आप पता नहीं क्या होता है, ऊपर पर पोल गिर रखा है उसकी वजह से लाइट है नहीं, तो वो भी मिल चुके हैं यहाँ पे, आज शाम तक लाइट आ जाएगी बोल रहा है, पता नहीं फिर काम चल रहा है। सामने दिखाती हूँ मैं, सामने यहाँ पर पोल गिरा हुआ है जिसके कारण लाइट नहीं है काफ़ी टाइम से। बाकी आप रोड की हालत देखिए, एल्टो भी आ नहीं सकती, वो देखो ऐसे फंस रही है सामने,
इतनी गंदी हो रखी है और हमारी गाड़ी भी ऐसी है, एल्टो की बराबरी है लगभग, तो ये भी नहीं आ सकती है। यार इसके देख यार, छोटी गाड़ी पर जो इतनी दिक्कत हो रही तो हमारी छोटी गाड़ी पर कितनी दिक्कत होगी। हमारी नीलू तो एल्टो से भी ज्यादा डाउन है, नीचे से लग जाने वाली है, तो यहाँ पे से अब हम क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर वाली रोड में लगी हुई है, पेठी वाली रोड भी काफी ज्यादा खराब है, और नई रोड कटने से नीचे की रोड भी पूरी खराब हो चुकी है जो की मेन रोड है। तो यहाँ पर कब आएगी कुछ पता चल भी नहीं रहा, हम लोग यहीं पर रहेंगे, अब कहाँ जाए, घर जाए, क्या करें समझ में कुछ आ नहीं रहा है। और यहाँ पे से ना कॉल्स कर सकते हैं ना कुछ, नेटवर्क प्रॉब्लम है यहाँ पे। वैसे जियो पकड़ता है बट जियो की सिम हमारे पास है नहीं, और पत्थर भी गिर रहे हैं यहाँ पे से, तो पता नहीं अब क्या करें। एक डेढ़ घंटा हमने यहीं पर वेट किया और कोई जेसीबी नहीं आई, और आधी गाड़ियां जो एल्टो है एल्टो भी निकल जा रही है, थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है उनको बट निकल जा रही है। तो मिस्टर जी बोल रहे हैं हमारी गाड़ी एल्टो से भी ज़्यादा डाउन है ना, डाउन पे है, तो लग जाएगी हमारी गाड़ी, तो यहाँ पर से निकल नहीं सकती। तो आगे को रोड कैसी हुई होगी कुछ पता नहीं है, कैसे जाएंगे क्या करेंगे तो समझ में नहीं आ रहा। अब वापस घर ही जाना पड़ता है शायद, क्योंकि यहाँ के रोड तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। देखते हैं क्या होता है, हम एक बार मम्मी को कॉल भी कर लेते हैं, सॉन्ग बता देते हैं। हम लोग वापस आ चुके हैं और थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं, बिक्की भैया के वहाँ पर आ गए। बिक्की भैया भी घर जाने वाले थे, वो तो अच्छा हुआ हम थोड़ा सा जल्दी आ गए, वरना हमें क्या पता चला भी जाता, बोल रहे हैं तो वहाँ पे मिल गए। तो अब बिक्की भैया के वहाँ पे वेट करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, क्या पता जेसीपी आ जाए, मशीन आ जाए तो ठीक है। बाकी गाड़ी की हालत देखो, हम गए ही नहीं आगे, यहीं पे ऐसी होगी ये हालत पूरी गंदगी वाली। तभी हमने नीलू की नाई नाई भी नहीं की, क्योंकि पता था ना रोड अच्छी नहीं है। तो हम जाते हैं बिक्की भैया के रूम पर, वहीं पर बैठते हैं और देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं आधा एक घंटा। और बिक्की भैया का घर एक ये वाला है, एक सामने पार गांव में भी है, जो सामने का गांव दिख रहा है, बाकी बीच में नदी है, पुल है। बिक्की भैया के ब्लॉक में आपने देखे ही होंगे, वरुण कोरंगा ब्लॉक्स में। तो गाइस दिन के एक बज चुके हैं और अभी तक हम यहीं पर वेट कर रहे थे, अभी मशीन भी नहीं आ रखी है शायद, और रोड तो वैसी है। तो अब यहाँ से हम लोग घर ही जाएंगे शायद, मम्मी को भी कॉल कर लिया है, मम्मी का कॉल भी आया था, वो थी होटल पर कुछ खा लो, फिर यहाँ पे भी होटल बंद है, वैसे हम कहाँ खा सकते हैं। तो एक बज चुका है, हमने मम्मी को आगे कॉल कर लिया था, उसके बाद भी हमने वेट किया कि थोड़ा सा रुक जाते हैं फिर क्या पता लग जाए, बट अभी तक जेसीबी नहीं आ रखी है, पता नहीं कब तक खुलते हैं। भूख भी लग चुकी है, अब तो घर ही चलते हैं, बाकी अब परसों स्कूटी लेके आएंगे। स्कूटी में क्या होता है कि बरसात हो भी जाएगी जब, तो थोड़ा स्कूटी चले ही जाती है, फिर गाड़ी नहीं जा पाती है, मजबूरी है वापस ही मैं जाने की। और अभी पता नहीं घर जाके मम्मी लोग भी क्या बोलते हैं, कोई गाड़ी आ भी नहीं रहे जो कि मैं जा सकती हूँ। तो अब मिस्टर जी आएंगे फिर परसों, बाकी क्या होता है मायके से आज आधे रास्ते से वापस जाना पड़ता मुझे। तो गाइस गाड़ी यहाँ पर भी नहीं छोड़ सकते हैं हम लोग, चले तो जाते हैं क्योंकि बिक्की भैया जा रहे हैं बागेश्वर, और यहाँ पर रात में वहाँ पर तो नहीं है पत्थर गिरने वाला, इस साइड को पत्थर गिरने वाला है। और वैसे भी क्या बोलते हैं, आते जाते कोई गाड़ी पर तोड़फोड़ भी कर देता है, अगर हम सामने रहते जब तो अच्छा ही लगता है, गाड़ी अपने सामने हो जब तो। और बिक्की भैया यहाँ पर होते तो फिर रख सकते थे, क्योंकि लाइट भी नहीं है, लाइट की प्रॉब्लम भी चल रही है, मैंने बताया जैसे आपको, पता नहीं वो भी बोल रहे थे आती ही नहीं आती है, अभी उसका काम भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर भी पूरा पत्थर गिरने वाला है, इलाका भी गिर सकते हैं, और नीचे भी गिरे हुए हैं अभी भी पत्थर, ये इतने पत्थर आ रखे हैं यहाँ से, और सामने फिर से वही। तो गाइस आज का ट्रेवल करना बहुत ही मुश्किल है, बरसात के टाइम पे पहाड़ का सफ़र करना बहुत ही गंदा है, मतलब संभल के इतना रिस्क लेके चलता है पहाड़ का आदमी, ये मानो इस टाइम पे जो चौमास का टाइम होता है। तो देखते हैं घर जाके खाना बनाए, हमारे लिए तो नहीं बना होगा क्योंकि हम लोग तो यहाँ आने वाले थे, अब देखते हैं घर जाके कुछ बनाएंगे खाएंगे, भूख भी लग चुकी है। पहुँच गए घर पे, और यहाँ भी कॉल कर लिया था पापा को पहले ही, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर ली थी, और अभी अब नीलू को पार्क कर रहे हैं ऐसे कुछ, ये गोल्डी खुश हो गया, गोल्डी आजा आजा चल आजा, लैपटॉप गिरता है हाँ दोनों। तो गाइस चलते हैं अब अंदर, सामान इतना मायके के लिए कपड़े वपड़े ले जा रही थी मैं अपने,
तो क्या ही किया जाए अब, गोल्डी को जैसे दरवाजा खोलेंगे अंदर घुस जाएगा। ये देखो इसको हमारे रूम पर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यही रहा ना पहले भी। तो हम ऊपर कपड़े भी चेंज कर लिए घर आके, फिर से वही कपड़े। और अभी अब मम्मी पापा का रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। आज काफ़ी टाइम बाद जा रही थी, अच्छा भी लग रहा था, अब क्या करें। यहाँ देखो आगे मायके से चैट और बोला भूली क्या, वहाँ पे मिट्टी दल दल आ रखा था, यही रख दो सामान। यहाँ पे तो पापा थे, मिस्टर जी जा चुके हैं ऊपर, मम्मी लोग भी बाहर पे बैठे हुए हैं। ये देखा आपका मन नहीं था शायद भेजने का ना। आंसू बर्बाद गए खाली मेरे। कोई बात नहीं, परसों और कर लेना। खाना बना रखा है, हमने कॉल कर लिया था तो यहाँ पे फिर से खाना बन रहा है। यहाँ पे झोली भात और दाल भात पहले ही बन चुका था, रहे खाना, खाना खाते हैं फिर जो अब क्या करें। फिर खाना बन चुका है, अब खाते हैं खाना। और हर मतलब शाम को खाते हैं, हम रात को ऐसे ही बाहर पर खाते हैं, तो आज भी बाहर पर ही खा रहे हैं क्योंकि धूप है नहीं। देखो मौसम ऐसा वाला हो रखा है, गए जहाँ भी लाइट नहीं थी अभी आ रखी है, पापा बता रहे हैं। खाते हैं अब खाना और इस ब्लॉग की एंडिंग यहीं पर कर देते हैं। वैसे ये ब्लॉग हमने स्टार्ट मायके जाने के लिए किया था, बट अब घर ही आ चुके हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग पर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।